नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे ट्रक के बारे में बात करेंगे जो कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन ट्रक जो है आइशर कंपनी ने लॉन्च किया है, इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि रहता है दोस्तों आइशर प्रो 3015। इस ट्रक के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये ट्रक क्यों खास है, इसका पीछे जो कारण है वो है दोस्तों, इसका जो डेक लेंथ मिलता है वो 32 फीट में मिल जाता है। और ये जो 32 फीट का जो टेक लेंथ ऑप्शन इस गाड़ी में मिलता है, ये इसको दोस्तों एक कंटेनर गाड़ी बनाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बना देता है। और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, पूरी दुनिया में और इंडिया में भी जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है, जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके कारण से वो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से दोस्तों जो इंडिया में एक दोस्तों कंटेनर गाड़ी जो होता है उसका डिमांड भी बढ़ चुका है। और कंटेनर गाड़ी के लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन रहता है वो है कि दोस्तों हल्का लोड रहता है, लेकिन जो लोड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहता है। तो उसी को देखते हुए ये जो आइशर कंपनी ने है ये 3015 जो 32 स्पीड वेरिएंट है इसमें उसको लॉन्च किया है। ये गाड़ी दोस्तों जो GBW रहता है वो दोस्तों 16.4 टन का इस गाड़ी का GBW रहता है। और जो पेलोड ऑफर करता है ये गाड़ी, करीब 10 टन का पेलोड जो है ये ऑफर कर देता है, जिसके कारण से दोस्तों ये जो गाड़ी है एक कंटेनर जो एप्लीकेशन है उसके लिए बेहतरीन गाड़ी है। और साथ ही जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, साथ ही दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक गुड और FMCG गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन तरह का सिचुएशन में, उन तरह का जो सिनेरियो है उसमें दोस्तों ये जो गाड़ी है बहुत ही फिट बैठता है और एक अच्छा मुनाफा या फिर प्रॉफिट जो है वो ओनर को करके देगा ये गाड़ी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस गाड़ी का प्राइस, माइलेज और जो स्पेसिफिकेशन सब कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द देख पाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड का जो इलेक्ट्रिक बड़ा दो सीरीज है, यानी IV4, IV3, इन दोनों गाड़ी के बारे में डिटेल में जानना है, तो मेरे इस वीडियो को देखिए, जिसका आईबटन निकाला होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इस गाड़ी का जो GBW रहता है वो रहता है दोस्तों 16,371 kg का। और जो पेलोड ये गाड़ी ऑफर कर देगा बॉडी बनाने के बाद, वो करीब दोस्तों 10 टन के आसपास जो है पेलोड ये गाड़ी ऑफर कर सकता है। जो इंजन आ जाता है इस गाड़ी में वो दोस्तों आइशर का E494 4V TCIC BS6 इंजन, जो CRS टेक्नोलॉजी का साथ आ जाता है, वो डीजल इंजन इस गाड़ी में मिल जाता है। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट रहता है वो रहता है दोस्तों 120 kWh का, जो कि आ जाता है दोस्तों 2600 RPM में। और जो मैक्सिमम टॉर्क इंजन प्रोड्यूस करता है वो रहता है दोस्तों 500 Nm का, जो आ जाता है 1200 से लेकर 1800 RPM का बीच में। और जो एमिशन नॉर्म से इस गाड़ी में वो तो BS6 है, फेस टू में वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। जो फ्यूल टाइप रहता है वो तो डीजल रहता है। जो ट्रांसमिशन इस गाड़ी में आता है वो दोस्तों वॉल्वो का ET50S7 का जो ट्रांसमिशन है वो इस गाड़ी में आ जाता है। जो गियर टाइप रहता है दोस्तों वो दोस्तों 7 स्पीड का, 7 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का सेटअप इस गाड़ी में आ जाता है, जो कि दोस्तों 2 ओवरड्राइव गियर का साथ भी आ जाता है इस गाड़ी में। जो क्लच आ जाता है दोस्तों उसका डायमीटर रहता है 330 mm का। जो ग्रेडेबिलिटी ये गाड़ी ऑफर करता है वो रहता है दोस्तों 23% का, तो एक अच्छा ग्रेडेबिलिटी है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का जो GBW है 16.4 टन का, उस हिसाब से इसका ग्रेडेबिलिटी 23% का वो अच्छा ही है। जो स्टेयरिंग व्हील का जो सेटअप रहता है इस गाड़ी में वो दोस्तों 3-10 टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि पावर स्टेयरिंग रहता है। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है वो दोस्तों 258 mm का रहता है। जो बैटरी आ जाता है वो 12 वोल्ट का 100 Ah का जो बैटरी है वो इस गाड़ी में मिल जाता है। जो ब्रेक्स इस गाड़ी में मिल जाता है वो तो एयरबैग्स मिल जाता है। अब जो दोस्तों सस्पेंशन इस गाड़ी में आता है उसका बात करते हैं। इस गाड़ी में फ्रंट में पैराबोलिक विथ शॉक एब्जॉर्बर जो सस्पेंशन सेटअप है वो आ जाता है, और पीछे में सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विथ हेल्पर लीफ स्प्रिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। जो टायर इस गाड़ी में आता है वो दोस्तों 9.00R20 16 PR का जो टायर सेटअप है वो इस गाड़ी में मिल जाता है। जो कैबिन आ जाता है दोस्तों, इसमें आप लोगों को कॉकपिट डिजाइन वाला स्लीपर कैबिन कंपनी द्वारा इस गाड़ी में मिल जाता है। ये एक शानदार बात है। ये दोस्तों गाड़ी एक ही मात्र गाड़ी है जो 32 फीट टेक लेंथ का साथ आता है, जिसमें कि दोस्तों कंपनी मेड स्लीपर कैबिन का साथ ये गाड़ी आता है। नहीं तो दूसरा कोई भी जो 32 फीट में आता है गाड़ी वो दोस्तों आप लोगों को काउल में मिलता है, लेकिन इसी गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को कैबिन विद स्लीपर कैबिन का ऑप्शन मिल जाता है। और जो वारंटी इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड करता है वो दोस्तों 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर का जो वारंटी है वो इस गाड़ी में कंपनी ऑफर करता है। अब बात आता है दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी इतना खास क्यों है। सबसे पहले तो ये जो गाड़ी है ये एकमात्र गाड़ी है इंडिया में जो कि दोस्तों 32 फीट जो डेक लेंथ है वो ऑप्शन अवेलेबल करता है, वो भी दोस्तों 16.4 टन जो पेलोड है उसी पेलोड सेगमेंट में। नहीं तो कोई भी गाड़ी जो है दोस्तों वो 19-18 जो मॉडल रहता है उसी सब गाड़ी में जो ये 32 फीट का जो आप लोगों को डेक लेंथ है वो मिल जाता है ऑप्शन, जिसमें जहाँ का दोस्तों GBW रहता है 19 टन का। लेकिन यही एकमात्र गाड़ी है जो 16 टन के आसपास 32 फीट का जो डेक लेंथ है वो ऑफर कर रहा है, वो भी दोस्तों कंपनी मेड स्लीपर कैबिन का साथ। कोई भी कंपनी दोस्तों जो कंपनी में स्लीपर कैबिन का साथ 32 फीट का टेक लेंथ का गाड़ी ऑफर नहीं करता है, सब गाड़ी दोस्तों काउल में ही आता है। लेकिन एकमात्र यही जो गाड़ी है ये दोस्तों आप लोगों को काउल में नहीं मिलता है, आप लोगों को कंपनी में कैबिन का साथ आता है। जिसके कारण से फायदा क्या होता है कि आप लोग गाड़ी को खरीदे एक महीना में तो 15 दिन में आप लोग ने बॉडी लगवा लिया, उसके बाद गाड़ी डायरेक्टली बिजनेस में आ गया। यहाँ पर जो टाइम कंजम्पशन होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो कंपनी में कैबिन होता है उसमें दोस्तों फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाता है और वो थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है।
तो उसको देखा जाए तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही दोस्तों ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी दोस्तों 32 फीट का जो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में बहुत ही कम GBW में ये गाड़ी 32 फीट ऑप्शन अवेलेबल करवा रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और ये गाड़ी दोस्तों आइशर का एम्बूस्टर टेक्नोलॉजी साथ ही क्रूज कंट्रोल भी ऑफर कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जो क्रूज कंट्रोल है वो तो बहुत ही अच्छा फीचर है हाईवे के लिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी का जो एप्लीकेशन रहता है उसके बारे में। ये गाड़ी दोस्तों जो वाइड गुड्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन वेट कम होता है, इन तरह के एप्लीकेशन, बेवरेज इंडस्ट्री, साथ ही दोस्तों FMCG और मेडिसिन ट्रांसपोर्टेशन, इन तरह का जो एप्लीकेशन होता है उसमें बहुत ही बढ़िया से ये गाड़ी चलने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी का जो दोस्तों कंटेनर है वो बहुत ही बड़ा बनेगा, जिसके कारण से दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, लेकिन दोस्तों जो वेट कम होता है उन तरह का सामान को ट्रांसपोर्टेशन के लिए लंबी दूरी में बहुत ही अच्छे से ये गाड़ी कमाई करके देगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस गाड़ी के ऊपर और या फिर कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं मेरे से, तो कमेंट जरूर से लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मिनट है उसको मिनिमल रख लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को आइशर का सभी ट्रक्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसका आई बटन में लिखा रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो आप बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी का प्राइसिंग और माइलेज को लेकर। तो जहाँ तक बात है इस गाड़ी का प्राइसिंग को लेकर, तो दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो अभी तक दोस्तों डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये गाड़ी बहुत ही नया है, कुछ दिन पहले इस गाड़ी लॉन्च हुआ है, तो इस गाड़ी को फुल्ली लॉन्च हो जाने दीजिए, तब मैं दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइस है वो अपडेट कर दूंगा। और जो माइलेज का बात रहता है दोस्तों, इस गाड़ी का जो माइलेज है वो करीब आप लोगों को 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है माइलेज आप लोग इस गाड़ी से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा से अगर इस गाड़ी को चलाएगा तब। नहीं तो दोस्तों इस गाड़ी का जो माइलेज है वो आप लोगों को 4 किलोमीटर से लेकर वही 4.5 किलोमीटर के आसपास ही जो है माइलेज ये गाड़ी देगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए। तो मिलते हैं एक न्यूज़ वीडियो में और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।